दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें किसी शेयर से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, ओके, ना ही कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल कुछ बातें करेंगे। हम सिंपल बात करेंगे, एक टॉपिक है जिसके में डिबेट होता रहता है कि व्हेन टू बाय एंड सेल अ स्टॉक, कि हमें किसी स्टॉक को कब खरीदना है कब बेचना है, बहुत सारी डिबेट होती रहती है। ओके, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं इससे रिलेटेड और देखता आया हूँ। ओके, अलग अलग नॉलेज, अलग अलग तरीके से नॉलेज देते रहते हैं, जिसमें अच्छी बात है, उन्हें भी सुनना चाहिए। ओके, बट कहीं ना कहीं मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, तो वो उनकी भी मुझे कभी कभी बातें समझ में नहीं आती, कुछ बातें पता नहीं चलती, ओके, कि वो कहना क्या चाहते हैं। ओके, बट मैं आज एक इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल अ स्टॉक। सिंपल, वो लोग अपनी जगह सही है, मैं आपको जो बताऊंगा मैं भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता हूँ, मुझे भी कोई करेक्ट कर सकता है, और करेक्ट करेगा कोई मुझे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर गलत हूँ, नो डाउट। बट मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, आई एम नॉट रेजिंग अ फिंगर अपॉन एनी वन। ओके, तो सिंपल सी बात है कि एक टॉपिक है व्हेन टू बाय एंड सेल अ स्टॉक, कि हमें कब खरीदना है कब बेचना है। ओके, इसके लिए कोई फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। ओके, मार्केट में करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं, ओके, छोटे से लेके बड़ा इन्वेस्टर्स होते हैं, तो क्या सबको शेयर मार्केट की नॉलेज है? क्या सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के या बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के उस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शेयर मार्केट का ए भी नहीं पता, बट वो इन्वेस्ट करते हैं, ओके, धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं और लाखों करोड़ रुपये कमा रहे हैं। तो उन्हें टेक्निकल नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें फंडामेंटल से नॉलेज नहीं है, बट उनका एक ऑब्जर्वेशन होता है और वो अच्छे खासे पैसे इस मार्केट से कमाते हैं। ओके, उन्हें मतलब नहीं है कि कब एंटर करना है, उन्हें कब मतलब नहीं है कि कब सेल करना है, उन्हें जब जैसा लगता है उस तरीके से वो करते हैं और वो अच्छा पैसा कमाते हैं। सिंपल सा एक सॉल्यूशन है इस। ओके, हर कोई राकेश झुनझुनवाला नहीं है जो CA है, हर कोई वॉरेन बफेट नहीं है जो बड़े बड़े, हर कोई बन भी नहीं सकता। ओके, बट सेटिस्फैक्शन होना किसी भी चीज़ के लिए और नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है। ओके, नॉलेज अगर आप टेक्निकल की जा रहे हो कि मुझे टेक्निकल लो, आपको फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है लो, नो डाउट, ज्ञान कभी ख़राब नहीं जाता। ओके, ज्ञान हमेशा काम आता है, और कर्म करो। ओके, सिंपल सी बात ये है, यही गीता में उपदेश भी दिया है। तो एक टॉपिक है, ओके, उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार जो हमारा हम सबका चैनल है, ओके, आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ओके, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम पर, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहे। सिंपल सा एक टॉपिक है, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल स्टॉक्स, कब खरीदे कब बेचे। बहुत सारे मिथ है, बड़े बड़े लोग कुछ बताते हैं कि भाई डिप पे खरीदना चाहिए। अब डिप क्या होती है, कोई कहता है कि हाई पे खरीदना चाहिए, हाई क्या होता है, क्या शेयर मार्केट में कभी डिप आता है, क्या शेयर मार्केट में कभी हाई होता है? मुझे नहीं लगता कि कभी हाई होता है कभी लो होता है। ओके, इस चीज़ को हम बात करेंगे, इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा, ओके, इस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा, देखना फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो करना। पे आइए एक बार पढ़ लेते हैं इसे। ओके, व्हेन इट कम्स टू सेलिंग, इसका मतलब सिंपल है, जब हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो यू शुड सेल स्टॉक्स व्हेन देयर प्राइस गेट क्लोजर टू देयर वैल्यू। ये कह रहा है कि जब हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो हमें तब बेचना चाहिए जब ये किसी जो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके पास आ जाए। अब क्या आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़े बड़े लोग होंगे जो बड़ी बड़ी ऑक्सफर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पता है, उन्हें शायद पता होगी, बट करोड़ों लोग ऐसे हैं। यूट्यूब पर मेरी वीडियो बनाने का मतलब इसलिए है क्योंकि अभी एक कोई वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला तो इस वीडियो को नहीं देखेगा। कौन देखेगा? एक रिटेल इन्वेस्टर, वो लोग जिन्हें क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना चाहते हैं, ओके, बट वो नॉलेज के लिए किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पूछ सकते, बिकॉज दे विल चार्ज ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे वो यहाँ पर चार्ज करते हैं इस चीज़ को बताने के लिए। अब क्या हम उनकी वैल्यू का पता कर पाएंगे? करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ABCD नहीं पता, वो इन्वेस्ट करते हैं अच्छा पैसा कमाते हैं, ओके, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या आपको समझ में आ रहा है कि यू शुड कब कब इसकी वैल्यू आएगी?
अगर हम बाजार में टमाटर लेने जाते हैं और अगर टमाटर की कीमत आज आज के दिन 10 मिल रही है, ओके, कल कल को कुछ क्राइसिस हो गया, ओके, टमाटर की पैदावार नहीं हुई, तो वो 20 भी हो जाएगी, वो 30 भी हो गई, बीच में 100 100 रुपये भी हुई है, ओके, क्या आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ आपको कल का भाव आपको पता है, क्या आपको परसों का भाव पता है कि टमाटर की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो आपको नहीं पता, तो इस चीज़ को कि ये कि हम एक्चुअल वैल्यू आएगी तभी हमें सेल करना है, ये एक्चुअल वैल्यू आएगी जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, देखिए, एज दिस मीन्स ओनली लिटिल अपसाइड इज लेफ्ट एंड सो यू शुड री इन्वेस्ट योर मनी इन टू स्टॉक वेन हायर पोटेंशियल अपसाइड. तो मतलब इसका कहने का मतलब है जब नीचे आ जाए, ओके, आपने ऊपर तो बेच दिया, बेचने का आपको पता चल गया कि हाँ भाई एक्चुअल वैल्यू आ गई है, अब टमाटर की वैल्यू 10 रुपये है तो हम 10 में बेचेंगे, अब 100 रुपये है 100 में बेचेंगे, ठीक है, और 100 से जैसे ही 50 आ जाती है हम दोबारा खरीद लेंगे, ओके, 10 रुपये का टमाटर 5 का हो जाता है हम दोबारा खरीद लेंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मार्केट में जो भाव चल रहा होगा, ओके, आपको ज़रूरत है तो आप खरीदोगे, ओके, इसे आगे मैं कैसे प्रूव करूंगा, आप देखिए, रिलायंस का स्टॉक है आपके सामने है, 2002 में 53 रुपये का हुआ करता था, आज 2082 रुपये इसकी वैल्यू है, 2002 में 53 का होता था, 2003 में 57 का होता था, ओके, फिर 2004 में 115 का भी हुआ है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ओके, 2007 में 668 का भी हुआ, फिर इसके बाद 313 का भी हुआ, ठीक है, और 2009 में फिर 494 का हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, घटता गया, ऊपर गिरा नीचे आया, ओके, जैसे कि बताया कि नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा, हमें क्या पता, हमें नहीं पता कि कब ऊपर आएगा, हमें नहीं पता कि कब नीचे आएगा, ये हो गया रिलायंस का. एक बार एमआरएफ का देख लेते हैं, एमआरएफ का शेयर कितने का है, लगभग लगभग 60 हज़ार रुपये का, कितने का होता है, 1999 में ये शेयर 1900 रुपये का होता था, ठीक है, अब देखिए फिर 1900 का हुआ, फिर नीचे गिरा, ठीक है, 1900 से कम का हुआ, फिर देखिए अब बढ़ता 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 बढ़ता, ठीक है, आज की ये लगभग लगभग 80 हज़ार रुपये तक भी पहुंचा था, और आज की डेट में कितने पे ट्रेड कर रहा है, 60 हज़ार रुपये, क्या आप इसका बाई और डिप्स बताएंगे, ठीक है, पर दिख रहा है हमें, हमारे पास चार्ट है पिछले टाइम का, तो इसलिए हमें पता है कि हाँ भाई ये इसका डिप है तो हम यहाँ खरीदेंगे, ये इसका हाई है तो हम यहाँ बेच देंगे, फिर यहाँ डिप है तो हम बेचेंगे, बट आपको चार्ट देख रहे कि अगर ठीक है आपने यहाँ पर खरीदा, ठीक है, आपने 3759 रुपये का ये शेयर यहाँ पर खरीदा, आपने ये 7 हज़ार रुपये का बेच दिया, आपको प्रॉफिट हो गया नो डाउट, ठीक है, आपने यहाँ बेच दिया प्रॉफिट हो गया, फिर ये नीचे शेयर चला गया, फिर आपने खरीद लिया, बट अगर आपने यहाँ पर अगर बेच भी दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ, आपने 3 हज़ार रुपये का खरीदा के 4 हज़ार का खरीदा, 7 हज़ार रुपये का आपने, तो 3 हज़ार का आपको प्रॉफिट हो गया, नो डाउट आपको प्रॉफिट हो गया, बट शेयर कितने का है अभी, 60 हज़ार रुपये का, 60 हज़ार रुपये का ये शेयर हो गया, आपने 7 हज़ार बेच दिया, आपने 4 हज़ार का प्रॉफिट 3 हज़ार का प्रॉफिट ले लिया और आप खुश हो गए कि हाँ मैंने 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट ले लिया, आई एम अ हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ओके, नो डाउट, बट आपने 7 हज़ार का बेच के क्या आपको आपने कितना आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया? तो देखिए 59 हज़ार रुपये का शेयर, 60 हज़ार रुपये का शेयर है, 7 हज़ार में बेच दिया तो आपको घाटा हो गया 53,000 रुपीज़ का, सिंपल, ओके, तो सिंपल मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप नहीं पता कर सकते कि कोई भी शेयर का बाई कहाँ है लो कहाँ है, ओके, बट आप कब एंट्री करनी है, जैसे कि कहते हैं लोग कि हमें डिप पे बाई, हमें बाई करना है, बाई ऑन डिप, ओके, अब इस किसी का हमें नीचे पता ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि इसका डिप कहाँ है, तो आप कहाँ से आपका आप इस उसका डिप पता करके आप इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा उसे भी लग रहा होगा ठीक है ये मेरे को हाई लेवल पर है, जिसने 848 रुपये में बाई किया है ठीक है उस वो सोच बट जिसने 1900 रुपये में बाई किया था 800 आ गया तो उसे यार घाटा हो गया, बट अगर उस 1900 वाले ने वेट किया होगा 20 साल तो आज 60 हज़ार पे चल रहा है कि उसे कितना करोड़ों रुपए का फायदा हो गया होगा, उसने इतने शेयर खरीदे होंगे अच्छे खासे तो अच्छा खासा उसे प्रॉफिट हो गया होगा. मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे शेयर्स में बनते हैं, अच्छे शेयर में बनते हैं, आपको पता है कि ये शेयर अच्छा है, ओके, तो आप इसे कहीं भी बाई कर सकते हैं, आप 2000 पे भी बाई कर सकते हैं, आप 2800 पे भी बाई कर सकते हैं, आप इसे 7 हज़ार पे भी बाई कर सकते हो, और आप अगर ये शेयर आपको लगता है ना कि आज भी अच्छा है, ओके, तो आप इसे आज भी खरीदेंगे
ओके, तो ये आने वाले 5 साल 10 साल, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी झुनझुनवाला या फिर आप वॉरेन बफेट की बातें करते हैं, तो ये कोई एक दिन में करोड़पति नहीं बन गए, इनकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल और 90 साल है। ओके, तो उन्होंने टाइम दिया है मार्केट में, पैसे के साथ साथ उन्होंने टाइम दिया है और पेशेंस रखा है, अच्छे स्टॉक चूज़ करें, फंडामेंटली स्टॉक चूज़ करें, और जिनका फंडामेंटली स्टॉक पावरफुल होते हैं, ओके, वो आप किसी भी लेवल पर खरीद लो। लोगों ने 80 हज़ार पे भी खरीदा होगा और 80 हज़ार पे भी वेट कर रहे होंगे, ओके, और ये कल ना कल जैसे ही मार्केट दोबारा, जो कि इसका पेन यहाँ इन्होंने घाटा दिखाई दे रहा है, अगर ये चालू हुआ तो ये दोबारा 80 हज़ार को क्रॉस करके 1 लाख तक भी पहुँचने की हिम्मत रखता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप फंडामेंटल शेयर में, एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, तो आप किसी भी लेवल पर खरीद सकते हैं। कोई भी इनका बाय नहीं का कोई सिग्नल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता कि हमें ये इसका डिप आ गया है, कोई डिप नहीं होता। अगर आप यहाँ पर आज रिलायंस के शेयर को आज भी खरीदते हैं 2082 रुपये में, ओके, तो ये आने वाले 5 से 10 साल में ये आपको 5 हज़ार और 10 हज़ार पे भी दिख सकता है, नो डाउट। ओके, क्योंकि इस कंपनी में पोटेंशियल है। ओके, इसके फंडामेंटल देखिए, इसका ऑब्जर्वेशन करिए कि जियो आती साथ 40 करोड़ से ज़्यादा इसके कस्टमर है। ओके, नई नई नीतियों पे काम कर रहा है, तो आपको पता ही है कि ये शेयर आगे चल के बड़ा बनने वाला है। अब दूसरी शेयर की देख लेते हैं, यस बैंक। यस बैंक देखिए, ओके, 12 रुपये का शेयर था 2005 में। इसके अलावा 373 पर ये 2018 में ये आया था, तो अब लोगों ने यहाँ पर भी खरीदा होगा, ठीक है। और कहते हैं कि लोग की क्या कहते हैं, बाय ऑन डिप्स करो या कुछ भी करो, लोगों ने अगर बाय ऑन डिप्स किया होगा तो ये देखो आज की डेट में शेयर 14 हज़ार रुपये पे है, तो 14 हज़ार रुपये में भी, सॉरी सॉरी 14 रुपये में ये शेयर है, ओके, 14 रुपये में ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। अब इस शेयर कंपनी अच्छी थी, इंडेक्स काफ़ी निफ्टी 50 का ये शेयर हुआ करता था, ओके, बट हुआ क्या, मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट गलत था, ओके, 300 400 रुपये पे चलने वाला शेयर सीधे कितने रुपए पे में आया, 5 रुपये पे मिल रहा था ये शेयर, ओके, ये अभी 2 3 महीने पहले ये शेयर आपको 5 रुपये पे मिल रहा था। तो सिंपल कहने का मतलब है, अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाते हो, तो यू कैन बाय अ स्टॉक एट एनी लेवल। तो आप किसी भी लेवल पर स्टॉक को खरीद सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि आप 2000 में खरीद रहे हो या 14 रुपये में खरीद रहे हो। आप इसे अगर 14 रुपये में भी खरीद रहे हो ना, तो कल की डेट में ये इतने कर्ज में डूबी हुई है कि ये कल की डेट में बैंकक्रप्ट हो सकती है, और 0 रुपये, आज कोई विश्वास इस पे कर नहीं रहा हो, ये 0 पे आ सकता है, ठीक है। आपके 14 रुपये के हिसाब से आपने लाखों रुपये डाल दिया, तो आपके लाखों रुपये डूब गए। बट अगर आपने रिलायंस MRF ये इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर पे आपने 2000 रुपये में भी ये शेयर ले लिया, तो ये कल की डेट में 10 हज़ार और 5 हज़ार होने की हिम्मत रखते हैं। तो सिंपल से कहने का मतलब है कि अच्छे शेयर में आप किसी भी लेवल पर बाई कर सकते हैं, और बेकार शेयर में आप किसी भी लेवल पर बाई करिए, ओके, तो वो आपको, आप 14 रुपये में भी करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कल की डेट में कुछ भी हो सकता है। आपने जिसने 300 रुपये में किया है, ओके, उसकी तो नैया डूबी पड़ी है, वो अपना दर्द भी किसी से बयान नहीं कर पा रहा होगा। सेम एज इट इज किसके साथ हुआ है, इसके साथ हुआ है। हाँ, 1000 रुपये में शेयर 1200 रुपये पे चलने वाला शेयर 207 में, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, कंपनी अच्छी नहीं थी, फ्रॉड करती थी, या जो भी इस पे ब्लेम लगे हैं थे, तो ये केवल आज 207 रुपये में चल रहा है, कल की डेट में ये 0 भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि कंपनी के ऊपर ब्लेम्स ही इतने सारे हैं। तो कहने का मतलब है, अच्छे शेयर्स में आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं। रिलायंस है, विजन अच्छा है, बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, धीरे से चलेगी, ओके, बट आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगी। तो फ्यूचर में अगर आपको कभी भी, आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, कोई परेशानी नहीं है, ऑब्जर्व करो थोड़ा, ओके, देखिए क्या मार्केट में चल रहा है, उसके हिसाब से उस रेस में आप दौड़ो, और उस रेस में दौड़ोगे और लंबा टाइम का वेट करोगे। ये नहीं कि मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कल की डेट में क्या कहते हैं आपको करोड़पति बना देगा, नहीं कह रहा कि 2000 रुपये का शेयर है कल की डेट में ये 1000 रुपये भी आ सकता है, जैसे बीच में हुआ भी था, ओके, बट अगर आप इसके साथ बने रहेंगे तो ये आपको आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न देगा,
ये 5,000 का भी हो सकता है, ये 10,000 का भी हो सकता है। इसलिए मैं कभी भी एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने और एक साल की बातें नहीं करता। मैं हमेशा 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से कमाएंगे। डूबते वो है, ओके, जो क्या कहते हैं, तैरना नहीं जानते, सिंपल सी बात है ये है। और इसके हिसाब से अब दूसरी बात कर लेते हैं, वेंट टू सेलर स्टॉक। आप मार्केट में 5 रुपये आपकी ज़रूरत है कि भाई मैं एक फ्रीज खरीदना है मुझे, मेरे पास 20,000 रुपये है, ओके। अब 20,000 रुपये आपने मार्केट में लगाए, इस फ्रिज की कीमत है 30,000 रुपये, ओके। आपने रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया, रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया, अब आप ये अभी 2,000 रुपये पे चल रहा है, आपने 10 क्वांटिटी खरीद ली, 20,000 रुपये थे, ठीक है, 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब फ्रिज खरीदना है आपको 30,000 रुपये का, तो सिंपल सी बात है, 30,000 रुपये का फ्रिज आपके 20,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये आपको कमानी है सिंपल। जिस दिन ये स्टॉक 3,000 रुपये का हो जाएगा, आपका 30,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, और 30,000 रुपये आ गए, आप बेच के निकल जाना, आपका आपकी जो इंटेंशन थी वो कंप्लीट हो गई। आप जिस विश जो आपकी विश थी कि आपको एक फ्रिज खरीदना है 30,000 रुपये का, तो सिंपल 30,000 रुपये आपने कमा लिए, ओके, 20 के आपने 30 कर लिए, 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, आपका फ्रिज आ जाएगा। तो निकलने है मार्केट से तभी, सिंपल सा मतलब ये है कि आप 10 रुपये लेके आए, आपकी इच्छा है कि भाई मैं ये 10 रुपये 11 हो जाए, मैं निकल जाऊंगा। आप 12 का वेट नहीं करेंगे, आप 13 का, 12 का देखो, 10,000, 10 आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किए, कल की डेट में वो 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, अच्छे शेयर में लगाया, ठीक है, 9, 8 हो सकता है, ओके, बट वो 10, 11 रुपये और 12 रुपये और 13 रुपये होगा, बट उसके लिए आपको टाइम देना होगा, ओके। और टाइम आपने दिया, ओके, और आपका टारगेट है कि बस मेरा 10 रुपये 11 हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा, तो 10 रुपये 11 हो गया तो आप निकल जाओ, वेट मत करो कि ये हाँ अब 13 भी होगा, अब 14 भी होगा, 15 भी होगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं। आपकी नेसेसरी क्या है, आपकी नेसेसिटी क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, ओके, आप मार्केट से क्या लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप मार्केट में एंट्री करिए, ओके, और उसी हिसाब से आप मार्केट से एग्जिट भी करिए कि हाँ भाई हो गया, ठीक है। अब आपके पास इतने करोड़ों रुपए तो है नहीं कि आप मार्केट में, ठीक है भाई करोड़ों रुपए है मार्केट में पड़े रहने दो, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, सिंपल जितने आए हैं उतने इन्वेस्ट करो, ओके, और जितनी आपकी नेसेसिटी हो उस हिसाब से मार्केट में सेल करके निकल जाओ, अच्छे शेयर में बनो, अच्छे शेयर में कभी भी आप खरीद सकते हो। ये मेरा पूरा ज्ञान था, ओके। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, ओके, और दोस्तों का शेयर करिए, ताकि आपको इस तरीके की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।